भक्त लोगों की पार्टी है, हम आम लोग हैं। अन्ना आंदोलन से निकले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते, हम कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं है। आज मैं आपके बीच में आपके और आपके परिवार की बात करने के लिए आया हूं। आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, मुझे वोट नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपका और आपके परिवार का भविष्य बना सकती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जो बातें मैं करने जा रहा हूं, 75 साल में किसी भी पार्टी ने जो बातें मैं करने जा रहा हूं, वो बातें आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आप लोगों को कहा हो हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है, अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। आज हम ये जारी कर रहे हैं केजरीवाल की गारंटी, ये हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आज तक ये लोग कहते थे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, और फिर चुनाव के बाद भूल जाते थे। इनके जो नेता स्टेज पे खड़े होके उसका विमोचन करते थे, वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें क्या लिखा हुआ है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है केजरीवाल सर कटा देगा, लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी होके छोड़ेगी। केजरीवाल की एक एक गारंटी पूरी होगी। और जब से हमने ये गारंटी कहना चालू किया है, इन सारी दूसरी पार्टियों ने भी कहना चालू कर दिया कि हम भी गारंटी दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डालोगे, गारंटी पूरी करी? उनकी गारंटी झूठी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की है। दोस्तों, चुनाव आने पे ये सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मीडिया वाले इसको माइक लगाते हैं, आपको फलानी फलानी पार्टी ने ये बोला, आपको क्या कहना है? दोस्तों, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती, कर तो हम भी सकते हैं, हमें गालियां नहीं देनी। हम आम लोग हैं, हम एक आम आदमी की समस्या समझते हैं। आपकी बातें करने आया हूं, आपकी बातें करूंगा, अगर बातें ठीक लगे तो मेरे को वोट दे देना। आज मैं आपको 10 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते हैं?
पहले लगते थे, पंजाब में भी नहीं लगते। पंजाब में 1.5 साल ही हुए अभी सरकार बने, 1.5 साल पहले पंजाब में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए, केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आपने दोनों पार्टियां ट्राई करके देख ली, 75 साल हो गए और 75 साल इन्हीं दोनों पार्टियों को ट्राई करके देख लेना, बिजली नहीं आने वाली। बिजली तो केवल आम आदमी पार्टी देगी। अगर बिजली चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना दोनों पार्टियों। दिल्ली में बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है। जीरो जीरो मतलब जीरो, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो आता है। आपको भी बिजली का बिल जीरो चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। तीसरी बात, मान लो आपका बिजली का बिल जीरो कर दिया, लेकिन आप में से कई लोग हैं जिनके पुराने बिजली के बिल आए पड़े हैं, गलत बिजली का बिल बना के भेज देते हैं ये लोग, किसी का 10,000 रुपए, किसी का 20,000 रुपए। उसके बाद आप चक्कर काटते रहते हो। जब बिजली दफ्तर जाते हो, बाबू कहता है 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, आपके बिजली का बिल ठीक करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर मैंने बिजली आपकी फ्री कर भी दी तो पुराने बिल का क्या होगा? नवंबर तक के सारे बिल पुराने माफ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी, पिछले साल 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के पूरे पंजाब के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिए थे हमने। यहां पे दिसंबर में चुनाव होगा, 30 नवंबर तक के जितने पुराने बिजली के बिल हैं सारे पुराने बिजली के बिल माफ। 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली कर देंगे और आपकी बिजली फ्री कर देंगे, आपके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी।